गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर डे। कैसे हो भाई लोग? आई होप मजे में होगे। मैं भी मजे में हूँ भाई। आज हमारी गाड़ी का फर्स्ट डे ही है, कल डिलीवरी होगी। आपने आई होप ब्लॉग देख लिया वो डिलीवरी का और इससे पहले वाला ब्लॉग। और आज जो है सुबह सुबह सैटरडे है तो स्कूल की छुट्टी है सक्षम की, तो मैं सुबह सुबह नई गाड़ी लेकर निकल पड़ा हूँ जिम। बॉडी शॉडी बना रहे हैं भाई साहब, फुल मस्ती गाड़ी भाई। नई गाड़ी देखो, पहला दिन मस्त रहा। जितना भी हम गए ना, सिमी के पास गए, सिस्टर के पास गए, घूम फिर के घर पे ही रहे, आसपास ही रहे। मतलब जो काम करने के थे तो सारे काम निपटा दिए हमने। जिम तो डेली जाना होता है, बट आज कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि सुबह सुबह जल्दी से उठें और नई गाड़ी लेके जाएं। और बता दूँ एक चीज़ ना, कल मैंने ये घर पे ही जो इसका स्लो चार्जर होता है ना छोटा वाला, उससे चार्जिंग में लगाई थी रात को। और करीबन रात को घर पे खड़ी करने के टाइम में ना, तो 50-60% के आसपास चार्जिंग थी। तो उसको 40% को चार्ज होने में इसने दिखाया था 6 to 7 hours के बीच में, कुछ ऐसा टाइम था। तो अब सुबह उठा तो फुल चार्ज थी, तो अभी फुल चार्ज है। हालांकि रेंज अभी सिर्फ 236 दिखा रही है, जो कि कंपनी वालों ने बताया था कि 2-4 दिन गाड़ी चलाओ ना, अभी बिल्कुल नई गाड़ी है, खड़ी रहती है। तो जैसे चलने की स्टार्ट होगी, रमा होगी ना, तो रेंज धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी तो सुबह सुबह निकाल लिया घर से मैंने। आई होप आगे जाके रेंज बढ़ जाए जितना मुझे उम्मीद है, 300 या 320-330 जो भी उम्मीद है। ऐसा मैंने कुछ होमवर्क तो किया था ना, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी तो खुद चलाऊंगा, 2-4 दिन बाद बताऊंगा आपको, इसके रिव्यूज़ दूंगा ना। 2-4-5 दिन एक हफ्ता चला लूँ ना, फिर उसके बाद मुझे मालूम पड़ेंगे इसके ओरिजिनल रिव्यूज़। और वीडियोज़ वाले या ऑनलाइन वाले रिव्यूज़ नहीं, मैं अपने रिव्यूज़ आपको दूंगा। बट अभी फ़िलहाल जो है ना, पहले जिम चलते हैं भाई। शेड्यूल अच्छा खासा बना हुआ है वर्कआउट का, वो बना रहना चाहिए ऐसे में। हाँ, एक चीज़ और देखो ना, अभी इसमें कितना बिल्कुल नॉइज़ है ही नहीं ना, तो ये तो व्लॉगिंग के लिए भी अच्छी है ना। इतनी किसी भी चीज़ की नॉइज़ नहीं है, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी, बड़ी अच्छी क्लियर आवाज़ आ रही होगी। और कितना आराम से बोल रहा हूँ ना, मतलब फिर भी कोई नॉइज़ नहीं अंदर। और भाई फाइनली ना मैं जिम के लिए बैग ले जाने लगा हूँ। इसमें क्या होता है, मेरे कुछ टॉवल और एक टी शर्ट और ले लेता हूँ, क्योंकि ना जब ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, ग्रुप के बाद हो जाती है, तो चेंज कर लेने बनाई वापसी निकलते टाइम। बट आज ना, आज ग्रुप नहीं है, आज ऑनली बॉडी पार्ट करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगूंगा। मेरे को लग रहा है 40 मिनट में निकल भी लूँगा। ना कोई भी वर्कआउट करने से पहले ना 10 मिनट 10 मिनट ट्रेडमिल कर लो, बॉडी इतने में फॉर्म हो जाती है। अच्छा भाई सब ऐसे पंप हो रहा है ना, इसका हाथ बंद ही है बिल्कुल, हाथ टाइट हो जाता है, खुल नहीं रहे बिल्कुल। जब से वर्कआउट स्टार्ट कर रहे ना, आज पहली बार नहीं करना है भाई साहब, कभी और तो बोल रहे हैं। अरे मुझे पता है फैट ज़्यादा है, कभी मार्जिन लेवल कम करने के। भाई 16 का डोला लेके मैं चल दिया घर पे, मस्त हो गया भाई सब। अभी थोड़ी सी ना मतलब शेप वेप नहीं आ रही, रेगुलर नहीं कर पा रहा ना, बल्कि बल्कि सा है, थोड़ा सा फैटी होता ही है। देखो मेरा वेट तो कम हुआ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे वेट में इतने महीनों में, शेप में फ़र्क पड़ा है बट। और अभी आज जल्दी आया था, जल्दी वर्कआउट ख़त्म हो गया, और ग्रुप क्लास थी नहीं आज, इसलिए भी जल्दी ख़त्म हो गया। वरना अभी यहाँ से कम भी 1 घंटा या 1.25 घंटा और लग जाता। बट अभी जल्दी घर जाने को मैं क्यों तैयार हो गया, कुछ खाने का मन था बट मेरा नहीं, अभी नहीं खाऊंगा, आज घर पे खाऊंगा। और घर पे ना मेरे पास ऑलरेडी कॉल भी आ चुका है, जो इसके साथ कंपनी फिटेड चार्जर आया ना 7.2 kV वाले, जो बड़ा वाला चार्जर है, वो वॉल पे फिट होगा घर पे, तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए ना कॉल आ गया। उन्होंने मेरे लोकेशन मांग ली, लोकेशन मैंने शेयर कर दी है, तो अच्छी बात है। अगर ऑफिस जाने से पहले वो मेरे सामने लगा देंगे तो ये अच्छा है, अपने हिसाब से फिटिंग विटिंग करा लूँगा ना भाई। मौसम एक नंबर हो रहा है, बारिश जैसा हो रहा है, रात में बारिश हुई है, अभी कोई बारिश नहीं है, लेकिन बारिश जैसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ हो जाए बारिश, अच्छा है यार, ढंग की बारिश हो जाए ना, एक बार ढंग की बारिश हो और कोई मीटिंग आ जाए मसूरी वसूरी की, मसूरी नहीं चलो और थोड़ा कम भी। अब ई वी है तो थोड़ा बहुत लंबी ड्राइव हो जाए तो क्या दिक्कत है भाई। सो भाई पता क्या हुआ, मैं जिम जाने से पहले ना इससे बोल के गया था कि मैं पोहा खा के आऊँगा, मैं पोहा खा के ना आया, क्योंकि पोहा वाला अभी आया नया, अब मुझे नाश्ता पानी मिला घर में ना, मिला मैंने बना रखा है पोहा, घर के पोहा एक्स्ट्रा बनाया पापा जी के लिए, बनाया एक्स्ट्रा बनाया, हां एक्स्ट्रा ही है, अगर एक्स्ट्रा है तो ठीक है, नहीं तो भाई नाश्ता नहीं मिला। इसमें क्या बन रहा, आलू, कौन से वाले? ये आलू मेरे फेवरेट है भाई, ये आलू की सब्जी कम लगे, और मुझे ऐसे लगे आलू चाट जैसे खा रहा हूँ ना, मैं अगर रोटी ना हो ना सिर्फ चम्मच से ऐसे फूक लेकर खा रहा हूँ, मेरे फेवरेट आलू।
भाई गड़बड़ हो रखी है यार, जो चार्जर वाले आने वाले हैं ना, उन्होंने बोला कि 10:30 तक आएंगे, फोन आ गया उनका, अभी तो ऑफिस आ रहे हैं ये वो आने हैं अभी, बट अगर 10:30 आएंगे तो मुझे तो ऑफिस भी जाना है। अब थोड़ा सा अगर 10:30 से पहले आ गए तो अपने सामने उनको बता दूंगा यहाँ लगाओ और यहाँ से करंट लो जो भी है, वरना तो भाई समझाएगा। फाइनली मैं रेडी हुआ ऑफिस के लिए है, और अभी का क्या सीन है, ऑफिस जाने से पहले मेरी उनसे बात हो चुकी है, अगले 2 मिनट में बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें लोकेशन भेज रखी ना, तो अगर 2 मिनट में पहुँच रहे हैं अभी घर पर, तो अच्छा है अभी टाइम भी काफ़ी है, मेरे सामने काफ़ी तक काम हो जाएगा, क्या पता लगा भी दें, कितने टाइम लगे तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं, बट आ तो रहेंगे 2 मिनट में। देख भाई ये हमारे यहाँ पे लग गया 7.5 किलोवाट, नहीं 7.2 किलोवाट का चार्जर है, और देखो कितनी हैवी और मजबूत वायर जा रही है, यहाँ से जाएगी मेरे मीटर्स में, और इसके लिए मैंने सेपरेट मीटर, एक मीटर मैंने अपना सेपरेट कर दिया इसमें से, काम पक्का हो गया अपना। 7.2 किलोवाट का जो चार्जर है ना, ये हमारी गाड़ी चार्ज कर देगा लगभग लगभग 5 से 6 घंटे में ना, है सक्षम, सक्षम को ज़्यादा पता है, मेरे ज़्यादा टेक्निकली आज के डेट में ये हो रहा है, तो 5-6 घंटे में हमारी इससे हो जाएगी चार्जिंग, और जो 15 वाट का हम छोटा वाला अगर लगाते हैं ना, वो लगता है 14 घंटे में, है ना। अपने अर्थ की बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि नहीं होता क्या हमारे घरों में ना अर्थ के कनेक्शन आए, तो अब उन्हें सारे वायरिंग कनेक्शन सब हो गए, लेकिन उन्हें अर्थ ना मिल रहा, वो अर्थ के लिए अलग अलग मीटर से अलग तरीके से जुगाड़ कर रहे हैं, देखो इंडिया का अलग है भाई। नई गाड़ी से आते ही काम स्टार्ट, और ज़्यादा अच्छी बात है, कुछ दिनों से काम मंदा भी चल रहा था, तो अब नई गाड़ी से मीटिंग करने आ रहा तुम्हारा भाई, बहुत पास की मीटिंग है, चलते हैं भाई। मैं जो है ना अभी हूँ इंदिरापुरम, मतलब मैं एक मीटिंग में आया था वसुंधरा, इंदिरापुरम वसुंधरा बहुत पास पास में ही है, आया तो मैं वसुंधरा था, बट इंदिरापुरम में क्यों आ गया हूँ पता है, किसी से मिलने, अब ना एक चड्डी बड्डी भाई एक से मतलब फ़ोन आया मेरे दोस्त का, एक दोस्त से मिलवाता हूँ अभी पहुँचने वाला है, अगले 2 मिनट पहुँचने वाला हूँ, उसका फ़ोन आया कह रहा भाई गाड़ी वाड़ी का पोस्ट देख लेता था, गाड़ी लेने से पहले मेरी उसकी बात भी हुई थी, तो उसी बारे में बात हो रही थी, तो जनरली बात हो रही थी भाई अपना जो है लक्ष्मण का रहता है, बट उससे बात हो रही थी, मेरा कह रहा मैं आया हूँ जरा ऐसे इंदिरापुरम, अब मैंने कहा मैं भी यही हूँ, तो अब हमने प्लान कर लिया मिलने का भाई। हम स्कूल में 10th क्लास तक साथ में थे, तो मतलब सोचो कितना पुराना फ्रेंड है। ये लो भाई ये खड़ा बंदा, क्या बात क्या बात, ओ भाई साहब, ओ भाई ये मुबारकबाद, थैंक यू सो मच। ये बंदा पहले स्लिम ट्रिम हुआ करता था, देखो गाड़ी की सीट पे भी नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या हाल बना लिया, बस ऐसे आ जा बता यार, ले तो लेंगे अभी आए, रुक तो जा भाई। हमने जो है ना स्कूल में हम 10th क्लास तक साथ में थे, है ना। हाँ जी, 10th के बाद हम अलग अलग स्कूल में हो गए थे, हमारा स्कूल ही 10th तक था, इसलिए हम अलग अलग हो गए, इसलिए हम लोग अलग अलग हो गए। हां, तो मतलब जो आपके 10th तक या 12th तक के जो पहले वाले दोस्त होते हैं ना भाई, बड़े कैड़े वाले चड्डी वड्डी होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, और हमें मिले मिले भी मतलब कई बार तो सालों साल हो जाते हैं, है ना। हम मुझे लग रहा है पिछले यार भी 1-1.5 साल पहले ही मिले होंगे, तो बट ठीक है यार, बड़ा अच्छा लगा द्वारका से मिलके। बिल्कुल भाई, भाई का नाम है द्वारकानाथ, हम इसे बद्रीनाथ ही बोलते थे बहुत सारे नाम होते हैं भाई उस टाइम में, हर कोई एक दूसरे में होता है, हो सकता है मेरे भी बहुत सारे नाम है, जैसे अगर नाम बताया तो मैं एकदम से इसको कैमरा बंद कर दूंगा। उस समय भी अरे नहीं यार, क्या हीरो हीरो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट हमारी गैंग अच्छी थी, बहुत अच्छे थे सारे, पढ़ने वाले सब बढ़िया, थोड़ा झूठ है सुबह बहुत पुरानी बातें करी, मस्ती वाली बातें करी, पुरानी पुरानी यादें ताजा हो गई एकदम से द्वारका से मिलके। अभी मैं निकल गई वहाँ से और मैं जा रहा हूँ सीधा ऑफिस, क्योंकि अभी टाइम पता क्या हुआ है, सिर्फ 5:30 हुए हैं, तो अभी घर भी नहीं जाऊँगा, कोई काम होगा ऑफिस में, मीटिंग वीटिंग होगी तो देख लेंगे, नहीं तो फिर आफ्टर ऑफिस घर जाएंगे, बट अभी फिलहाल सीधा ऑफिस। मैं गाड़ी की पार्किंग ढूंढते ढाड़ते ना, और ऑफिस के अंदर पहुँचते पहुँचते मैं 6:05 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं अभी भी यहाँ से मतलब 1.5 घंटा हूँ, अभी 1.5 घंटे बाद मीटिंग वीटिंग तो भी है नहीं, तो सीधे घर ही जाएंगे, तब तक एडिटिंग करते हैं पुराने ब्लॉग्स की। भाई 7:30 हो गए, आज थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस में बैठ के बातें बातें हो रही, कुछ काम वाम की, तो उसमें सारा टाइम लग गया, तो बट 7:30 अभी कहीं नहीं आना, घर ही जाना है अभी, और मेरे को भूख भी लग रही है, पता नहीं क्या शाम को कुछ नहीं खाना, नॉर्मली पता क्या होता है 5-6 बजे के आसपास ना चाय कॉफ़ी या कुछ ना कुछ मन कर जाता है खा लेता हूँ, बट आज कुछ नहीं खाया, तो अभी बट ऐसे में कर जाकर चाय कॉफ़ी नहीं लूँगा, सीधा और थोड़े रुक के चेंज वेंज करूँगा, इतना टाइम हो जाएगा खाने ही खाऊँगा। अब मुझे पता है घर जाऊँगा ना तो खाना रेडी भी मिलेगा भाई, हमारे घर जल्दी बन जाता है, हम गाँव के लोग हैं ना, जल्दी खा के जल्दी सो जाते हैं भाई। आज का दिन मस्त रहा, स्पेशली इसका पहला दिन था आज, मज़ा आया, और अभी इसे चार्जिंग में लगाऊंगा, पहले इसे लॉक कर दूँ, ये हो गई लॉक, और इसको हम अभी ना
थोड़ी देर बाद आएंगे चार्जिंग पे, पहले अंदर चलते हैं। लाइट कब बंद होगी, हो जाएगी ऐसी? पता ना, पता ना यार, अपना होती होगी, हो सकता है। भूख लग रही है मुझे। क्या हाल चाल? सैलड सब्जी क्या है? सब्जी दाल, दाल सब्जी में नहीं होती, दाल दाल होती है। दाल बनाई है, दाल सब्जी में नहीं होती, दाल दाल होती है। हल्का खिला दे, मेरा मन कर रहा है। मैं सिर्फ सैलड, नई गाड़ी का एक नंबर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाड़ी में, मज़ा दिला दिया। कई जगह जाम वाम, कहीं जगह कुछ मिले भी ना मुझे, इतनी सी थकान न हुई। और भगाने में, चलाने में एसी तगड़ी गाड़ी, एक नंबर। हाँ कह जाओ, राहुल ने ड्राइव ली, राहुल ने मज़ा आया देख के। हाँ मज़ेदार थी, एक नंबर। ओवरऑल मेरी गाड़ी सर 80 किलोमीटर के आसपास चली आ रही आज, जबकि कहीं जाना आना खास हुआ नहीं। एक ही जगह गया था मैं, वहीं हुआ, और सुबह जिम गया था, बस इतना ही था, 80 किलोमीटर हुआ था। तो अब अगर मैं कॉस्टिंग वाइज बात करूँ तो अभी तो मैं जोड़ नहीं पा रहा कॉस्टिंग, अभी ढंग से बताऊँगा बाद में आने वाले ब्लॉग में, जब मैं पूरी कैलकुलेशन कर लूँ, जब सीख जाऊँगा इसके बारे में। अभी मैंने चेंज वेंज कर लूँ, खिला विला दे कुछ है, रेडी है ना? कर कर कर, मसाला डाल दियो बस। हाँ बेटा, क्या आज का दिन तेरा कैसा रहा? बढ़िया। साइकिल चलाई? हाँ। कितनी? वही सुबह चलाई। जिम में गया फिर? जिम में। क्यों? तेरे को दोनों चीज बोली है ना मैंने, जुकाम हो रहा है। तो अब तू साइकिल चला के ऐसे ठंडे एसी में बैठेगा तो जुकाम ही होगा ना बेटा। अभी थोड़ी सुबह चलाई थी। अच्छी चलाई थी? हाँ। भाई मैंने इसे टारगेट दिया हुआ है कि डेली जो ना ये साइकिल लेकर निकल जाता है, जो मेरी साइकिल है इसकी, मेरी एक ही बात है, उस साइकिल को लेकर जाता है, करीबन एक घंटे साइकिल चलाता है। उसके अलावा भी शाम को जिम में 10-15 मिनट ना ट्रेडमिल और 10-15 मिनट साइकिल, वहाँ भी तो अच्छा खासा इसका वर्कआउट आता है। इसलिए टारगेट लिया कि एक महीने में रिजल्ट। भाई मैं सोच रहा हूँ चेंज करने से पहले क्यों ना गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी जाए, देखते हैं कितना टाइम दिखाता है कि कितने टाइम में फुल चार्ज होगा। भाई ये लाइट ही बंद ना हुई अभी तक, मुझे लग रहा है क्योंकि ना शायद इसकी हेडलाइट ऑन छोड़ रखी मैंने, इसलिए नहीं हुई है ना। तो पहले इसको बंद करते हैं। सक्षम तू वहाँ से वो निकाल के ले आया, हाँ घुमा दी पूरी। ये इसका ऊपर वाला खुलेगा भाई, पहले इसकी MCB ऑन कर दे ना, ठीक है? रेड नहीं होनी चाहिए बस, ये रेड हुई तो इसका अर्थ नहीं है। अब ये ब्लिंक करेगी तो यह चेंज होगा कलर, ब्लू या ब्लिंक कर रही है, कनेक्शन सही है। अब इसमें हमें एक वो लगाना है टैग, रुक जा रुक जा। भाई देखो ये वाला टैग ना, ये उसके बीच में लगा, लाइट और जो तीन बटन है ना उनके बीच में लगा, नीचे और नीचे। हाँ बस बस हो गया, अब देखा चल रहा, अभी ग्रीन भी हो जाएगी ये, अब चार्जिंग शुरू हो गया। अभी ग्रीन होगी ना, इसके अंदर चार्ज हो रही है, ब्लिंक हो रही है ना, चार्ज हो रही है। अब देखो मीटर में, दिखाऊँ मीटर में आ रहा होगा, देखो अभी मीटर में आ गया 64% है ना। गेट खुलने का आ गया यार, अरे गेट खुलने का आ गया, हाँ ही आ गया, 64% है। और सिर्फ पौने दो घंटे 45 मिनट में 100% हो जाएगी, इसका मतलब अच्छी खासी जल्दी चार्ज हो रही है ना। 64 पे भी सही है, रात भर लगाने की जरूरत ना पड़ेगी हमें। जितना मेरे लिए टॉय है उतना ही सक्षम के लिए भी टॉय है। अब वो पता है अंदर उसे खड़ी में चार्जिंग हो रही है, AC ऑन करके बैठ गया अंदर, फीचर्स वगैरह के बारे में देखेगा, फिर मुझे आगे बताएगा इसमें ये है ये नहीं है। मैं तब तक चेंज कर लूँ भाई। अभी क्या क्या सीन है, अपन खाएंगे खाना बैठ के आराम से, और हम ड्राइंग रूम बैठ के खाना खाने लगे आजकल। किसी ने ना अभी पीछे कुछ स्टोरी या रील्स में ना ऐसे बता रखा था कि बैठे बैठ के खाना ना चाहिए, मेरे को आदत आलदी पालदी मार के बैठे बैठ के खाना खाने की बहुत पुरानी, हमेशा से ऐसी मैं जो आदत पड़ रही ना, बट अब चेंज कर दी मैंने, किसी ने बोला था ऐसा गलत होता है तो मैंने आदत चेंज कर दी और अब हम यहाँ बैठ के खाएंगे। भाई खाना आ गया और ये दोनों सेम है अभी तक, गाड़ी के आसपास बैठे हुआ, कोई लाइट जल रही है कोई ना जल रही, ऐसे ही अभी तो मतलब इनके लिए भी टॉय है ना, मज़ा आ रहा है उन्हें भी। यहाँ तक कि दिन में तो वायु ने पूरे फीचर्स गूगल पे चेक करके दो चार चीज़ें मुझे बता दी कि रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए कैसे कैसे करना है। वेल मेरा खाना आ गया है, मैं खाना वाना खाता हूँ पहले। ये दोनों का भी रखा है खाना, ये सबका खाना दोनों का रखा हुआ, बट अभी बाहर ही है। भाई मेरा हो गया, आ रहे तुम दोनों ऊपर, आ रहा ना भाई तू? भाई पिछले कुछ दिनों से हमने क्या करा है, खाना वाना खा के हम छत पे जाते हैं, कितनी ह्यूमिड और कितनी गर्मी है तब भी, और वॉक करते हैं आधा घंटा कम से कम। भाई देखो अभी जो है ना, आज तो फिर भी मौसम अच्छा है, नॉर्मली ऐसे हम छत पे, इतनी स्पेस है ना हमारे पास,
इतने में आधा घंटा वॉक कर लेना, पसीने पसीने आ जाएगा रे। बट आज जैसे हवा चल रही है तो आज पसीने तो ना आएंगे, बट एक काम कर सकते हैं, आधे घंटे की जगह हमें आज पौना घंटा वॉक कर, है ना, पौना घंटा वॉक करेंगे। और ये पुशअप्स मारेगा ऐसे। जबर मैंने अब देखी गाड़ी कैसी लगी? बढ़िया, मस्त है ना, मज़ेदार। मुझे तो पहले से पसंद है। हाँ ये तो है, फेवरेट है, फेवरेट गाड़ी भी ना, टाटा भी फेवरेट है भाई। अपने पैसे टाटा को दो, टाटा इतनी चैरिटी करता है हमारे देश में। हाँ सही बात है, अपने पैसे हम बाहर की कंपनियों को क्यों दें, क्यों दें? और जो भी खरीदना टाटा से खरीदना, लेवल भी वर्ल्ड क्लास लेवल है इस टाइम टाटा की गाड़ी है। टाटा तो बना ही अच्छा, अब हमने ले ली तो और अच्छी होगी, बहुत बढ़िया। जब भाई जब डिलीवरी टाइम है ना वहाँ पे जिम कॉर्पोरेट, तो उस दिन ही अब आए हैं आज ही, तो अब देखी गाड़ी अच्छी।